दोस्तों आप सबका स्वागत है चंकुलाल पंडित का गेम प्ले वीडियो में। मेरा नाम लेके स्टार्ट कर दे, क्या बात है क्या बात है? बात कुछ नहीं है, बात है आज है 100 डेज 100 चैलेंज का डे 48। और डे 48 में किसने चैलेंज किया पता है? तू ही बता दे। ओके, ये जिम्मेदारी भी हमें उठाते। आज का चैलेंज किया निंजा एक्स, निंजा एक्स भाई ने चैलेंज किया ओनली UMP चैलेंज। ओके ओके शुक्रिया। जैसे कि आप लोग को पता है कल पुलिस स्टेशन में जाके हम FIR लिखा था कैंपर्स के नाम पे, तो हम देखने के लिए आते सारा कैंपर्स इधर है कि नहीं, लेकिन ए चाचा बाहर घूम रहा था। नुबड़ी के मर जा भाई मर जा, लेकिन रुको जरा, अब आगे जाते तो आगे किसी का टकला दिखता टकला फोड़ दिया, लेकिन रुको जरा नीचे भी और एक बंदे का फुटस्टेप आता है। अब इसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। स्किंडर भाई तुम्हारे पास दिमाग भी है? मुझे पता ही नहीं था। दिमाग नहीं होगा तो हर दिन 100-200 खेल तेरा चचा करके जाता है क्या? 100-200 चचा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं यार ज्यादा कैसे हो सकता है, हर दिन 100-200 किल तो मारना ही पड़ता है, नहीं तो मेरा भूख कंप्लीट नहीं होता। अब देखो इस चचा को लग रहा था ए बच जाएगा, अब देख चंकुलाल इसको कैसे मारते हो भी दिमाग से। ओके देखते कैसे तू मार सकता है। अरे जा ऊपर ही तो बंदा है, मुझे इतना दूर से सुनाई दे रहा है, तुझे पता ही नहीं है। अरे भाई हम दिमाग से खेलते, दिमाग से खेलना होता है, अब देख कैसे मारते है। स्किंडर भाई क्या मारे हो, देख के कान से आंसू आ रहा है पूरा। कान से आंसू आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरा पिछवाड़ा जल गया, अब तुम लोग को क्लच करके दिखाते हैं। ऑल डेड, देखा ना चंकुलाल कैसे मारना होता है, दिमाग का खेल होता है भाई, जो तेरे पास है ही नहीं। सारा दिमाग तो तुम्हारे पास है, हम लोग के पास दिमाग कहाँ से आएगा, दिमाग तो बहुत महंगा बिकता है ना। पहली बार दिमाग महंगा नहीं बिकता, महंगा करना पड़ता है वो भी ट्रेनिंग से। अब तू इधर से निकल, मुझे खेलने दे आराम से। ओके दोस्तों स्किंडर मुझे भगा दे रहा है, कोई बात नहीं इसका बदला हम कर लेंगे। तो गाइस बाय 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 बाय। इतना बार बाय बोलने का कोई जरूरत नहीं है, एक बार बाय बोलने का उतना काफी है। अब देखो गाइस हिल के ऊपर बहुत सारा बंदा कैंप कर रहा है, अब इन लोगों को कैसे मारते आप लोग ही देखो। आप लोगों को तो पता ही है ना मेरा स्प्रे कितना जॉट लेवल का होता है। दूसरा वाले को अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन अनमोल भाई ने तो सुसाइड कर लिया, पता नहीं क्यों यार इसको मरने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं, आप देखो बस हम आगे जा रहे थे क्योंकि बहुत हो गया इधर से, अब आगे जाते तो देखो अलग ही सीन चल रहा था। आगे तो पुश कर देते लेकिन DBS का साउंड सुन के मेरा पूरा फट गया था, लेकिन एक चाचा तो ज्यादा है जो उसमें पीछे से आ रहा है। इस चाचा का पूरा पेटी बना देते, दिन गज हिल करके वापस आते तो वापस और एक बंदा मिल जाता है। इस चाचा होता है बॉट चाचा, दिन गज अंदर जाते तो सामने से भी बंदा पुश कर रहा था, लेकिन इसे नहीं पता ये किसके ऊपर पुश कर रहा है। जब नसीब साथ ना हो तो ऐसे जल के मरना पड़ता है, जैसे इस चचा का जल के पूरा पेटी बना देते। देखिए पीछे के साइड में एक बंदा तो है लेकिन एक जगली कहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, तो मेरा टीममेट्स को बोलते थोड़ा प्रॉक्सी यूज कर कि बंदा कहाँ पे मुझे लोकेशन बता, तो मेरा टीममेट्स चला आ जाता है। Watch out. मेरा टीममेट्स बता देता है कि बंदा वॉल के पीछे है, अब देखो चलो यार इसका पुष्पा निकाल देते। आइए चच्चे तो विक्टर बन के कैम्प कर रहा था, कोई बात नहीं इसका पेटी बना देते, लेकिन मेरा HP अच्छा खासा खा लिया भैया।
हिल वाला बंदा अभी तक नहीं मरा, उंगली कर रहा था। लेकिन गाइस उसी टाइम पे लेफ्ट साइड से भी मुझे फुटस्टेप आता कि कोई बंदा कैंप कर रहा है। लेकिन इसको मारना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए इजी है। इस चाचा के साथ तो अब्राकाडब्रा बुम 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 हो गया। तो गाइस इसको फिनिश ही कर रहे थे, लेकिन मेरे टीममेट्स के साथ बहुत बड़ा वाला बेइज्जती हो जाता है। गाइस मेरे टीममेट्स को किसी ने चाकू मार देता है। अभी तक मेरा मेन फोकस था कि डीबीएस वाले को मारना है, लेकिन मेरा टीममेट्स कुछ और ही कर रहा था। अब देखो मेरा टीममेट्स को चाकू मार के पूरा फिनिश ही कर देगा। अरे चचा कहाँ भाग के जा रहे, तने रुक जाया करो। लेकिन गाइस इसका और दो बंदा है जो उधर ही टीपी पी ले रहा है, तो हम पीछे से रोटेशन देके आगे जाते हैं। ये क्या ही बोले गाइस, मजा आ गया। तो गाइस अगर अभी तक मेरा गेम प्ले आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर कोई नया देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई समझ के थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। और आप लोग को भी मुझे चैलेंज देना है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में चैलेंज जरूर करना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा करेंगे। देन वापस इस साइड में आते हो तो इधर एक बॉट चचा छुपा हुआ है। क्या दिन आ गया, आजकल बॉट को भी छुपना पड़ रहा है। लेकिन मेन बिल्डिंग से कोई बंदा छत पे है, अब इसके ऊपर हम ग्रेनेड करते हैं। ये बंदा फूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन पीछे से भी मुझे फुटस्टेप आते कि कोई बंदा पीछे भी कैंप कर रहा है। लेकिन ये क्या भैया, ये चचा तो बहुत चचा निकला, इसके वजह से इतना हम डर रहे थे। कोई बात नहीं, इसका पेटी बना देते। दिन गाइस देखो एक के साथ एक फ्री में कैसे मिलता है, मतलब एक बंदे को मारने के लिए जाएंगे लेकिन दूसरा वाला भी फ्री में मिलेगा। ए ए ए ए क्या है चचा, मतलब फ्री का किल लेने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। देन गाइस अब सोच ले मेन बिल्डिंग वाले बंदूक को पक्का मारने वाले, लेकिन दिक्कत यही है एक तो पूरा स्क्वाड ऊपर से डीबीएस भी है इस चचा के पास। पूरा स्क्वाड होने के बाद भी बंदा ना रस कर रहा था ना नॉक होने का नाम ले रहा था, तो हम लगाते आईक्यू वाला दिमाग। इधर से तो जा नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है डीबीएस से तो कैसे जा सकते, तो हम पूरा पीछे फॉल बैक करते हैं पहले।
अब देखो, अब ऊपर आ गया तो बंदा ऊपर ही कैंप कर रहा था। बंदे को अच्छा खासा डैमेज तो दे देते, लेकिन ऊपर से मुझे पढ़ने लगता है। मतलब एक किल से मेरा 17 किलो हो गया, लेकिन बंदा उधर से अभी तक नहीं हटा। क्या ही कर सकते। चलो गाइस, कोई बात नहीं, इसी के साथ ही आज का गेम प्ले इधर ही खत्म होता। आई होप आप लोग को आज का गेम प्ले अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।